आज गोरखपुर नगर निगम के तत्वावधान में आयोजित है। अपनी नए उपलब्धियों को जिस रूप में आप सभी सफाई मित्रों ने सहयोग से अनवरत रूप से नगर निगम गोरखपुर के सामने में समर्पित किया गया है, जिसके तहत स्वच्छता के क्षेत्र में विगत 7 वर्षों में पहली बार गोरखपुर की श्री रवि किशन शुक्ल जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा समस्त लोगों को संबोधित करें। क्या हाल बस सब लोगों के, पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य महाराज जी के 22 जनवरी के जब मंदिर में देखल गई तो मन बड़ा आनंदित भई। गुरु गोरक्षनाथ की कृपा, बड़े महाराज जी का आंदोलन और अपने बड़े महाराज जी का वचन या अपने बड़े महाराज जी के जो तपस्या करके आंदोलन करते देखना, तो हम एको शिष्य के रूप में कल महाराज जी के आंख में हम ये पूजा करते रहना बड़े महाराज जी के मंदिर में, तो इनके बड़ा भाव देखे और हम समझ गए कि एको महाराज जी हमनी के बड़े, लेकिन महाराज जी शिष्य रहना जी के आंख में हम ये पूजा करते रहना बड़े महाराज जी के मंदिर में, तो इनके बड़ा भाव देखे और हम समझ गए कि एगो महाराज जी हमनी के बड़े, लेकिन महाराज जी शिष्य रहना अपने बड़े महाराज जी के, तो एगो शिष्य एक बहुत बड़ी तपस्या के पूर्ण करके जब अपने मंदिर पहुंचना कल सांझे, और हम उस समय मंदिर में रहे, हम पीछे खड़े थे, हमने महाराज जी को देखा। बड़े महाराज जी को जब ये माला पुष्प चढ़ाए तो इनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी कि बरसों का सपना, 500 साल का सपना रहे, समस्त सनातन, समस्त हिंदू, समस्त राम भक्त के लिए एक पूर्ण करे और वो सपना पूरा कर। कल महाराज जी ना एक जोरदार ताली के साथ महाराज जी का वंदन अभिनंदन, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी सफाई कर्मी जितना है सबके हम प्रणाम करब, ये गर्मी में आप लोग आए हैं, ठंडी हमके लगल गर्मी बा, जितना भीड़ देखा था ये, हर हर महादेव। अब काहे का ठंडी और काहे का हो जाना, बर्फो गिरता तबो सब प्रभु राम के लिए अपने महाराज जी के लिए सब आते, ये जज्बा चाहिए, ये अलख जगा के रखो, ये जोत जो जगी है इस समस्त भारत में, ये पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। और ऐसे में हम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी MLC महोदय, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष, उनके स्वागत करब। माननीय फतेह बहादुर सिंह विधायक कैंपियरगंज, आपके स्वागत करब। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, आपके स्वागत। मेयर साहब को आप अभी सुने, लंबा भाषण दिया मेयर साहब, आज आपकी आवाज में बुलंदी थी, बड़ा अच्छा लगा। क्या चाह रहे हो यो बता दे, हम वाह भावुक थे आज। आप अपने सफाई कर्मी एक परिवार को देख के आप बोल रहे थे, जो आप एक उनके सर्वे सर्वा आप हैं। तो मैं श्री विपिन भैया माननीय विधायक ग्रामीण, आपके स्वागत बा। महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आपके स्वागत बा। श्रीमती
श्रीमती सत्या पांडे जी पूर्व महापौर आपके स्वागत बा, श्रीमती अंजू चौधरी पूर्व महापौर आपके महापौर आपके स्वागत बा, सहजनवा के प्रदीप शुक्ला जी का हो गए अध्यक्ष जी के स्वागत बा, वाह वाह अरे वाह तो कुर्सियां बदल गई, ये भय बना रहना चाहिए, जो आनंद वाला भय है परिवार का, हम भी बड़ा डेराएंगे अपनी पत्नी से। तो सभी सफाई कर्मी लोग, गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है सफाई के मामले में। आप लोगों के याद हो इंसेफ्लाइटिस एक ऐसा बीमारी रहे, 250 से 300 बच्चों को की मृत्यु होती थी हर साल, गरीब गुरबा अमीर सबके बच्चा के, वो बीमारी का कोई इलाज ना रहे। तब महाराज जी बीड़ा उठाए, एक आंदोलन और कई आंदोलन किए, महाराज जी को तो आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा। जो जो दुख महाराज जी देखे हैं इस जिले को संवारने के लिए, इस मानवता को संवारने के लिए, अगर रिजल्ट बा आज की गोरखपुर, आज देश में एक बहुत ऊंचा नाम है, गोरखपुर एक ब्रांड बन चुका है, उकरे में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान बा सफाई कर्मी परिवार। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आप लोगों के चरणों को वंदन करते हैं, आप लोगों को एक सम्मान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सबसे सरकार आई, आप लोगों के को सम्मान मिलल बा, और जिम्मेदारी है हर गली कोने में आप लोगों का जब झाड़ू चलाला लोगों की जान बचती है, आप लोग जब नाली साफ करते हो लोगों की जान बचती है, कि यही मच्छर यही मलेरिया यही डेंगू वही कोरोना काल में रहे, गोरखपुर बच के निकल गए। आज ही बहुत बड़ा दिन बाजा कि महाराज जी आज आप लोगों के 10 लाख रुपया जान, आपकी जान को कुछ होगा तो, पर महाराज जी ने 10 लाख रुपया बीमा रखा है, 1 लाख रुपया तुरंत आप लोगों को राशि मिलेगी, जो आपको पूरी बातें मेयर साहब ने बताई, एक सुरक्षा आप लोगों के लिए कि आप लोग जान दे रहे हैं, आप लोग दिन रात जाड़े में हम देखीला नौकायन पे हमारे मकान बा, हम सवेरे उठ के देखते हैं आप लोग को, कुहासे में भी झाड़ू मारते हैं सफाई करते हैं, बहुत आनंद होता है और बड़ा गर्व होता है। आप लोग अपनी ड्यूटी से कहीं कोताही नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि साइन करके पहले की सरकार में चल जाते थे लोग, तनख्वाह पाते थे और कोई आता नहीं था। आज गोरखपुर के हम अभी महाराज जी से बतियावत रहे तो कहना महाराज जी की, गोरखपुर का हर व्यक्ति सफाई कर्मी से लेके हर व्यक्ति जागरूक है। अब जितने लोग हमको टीवी पे देख रहे हैं, गोरखपुर परिवार आप लोगों का भी दायित्व बना था कि कचरा आप लोगों के बाहर गांव देहात में अभी कूड़े का डब्बा आ जा रहा है, कचरे की गाड़ी गाना बजाते हुए आती है आप लोगों के निकले के बाद वहां डाले के, अपने घर के सामने कूड़ा फेंकना कृपया बंद करें। गोरखपुर को हम लोग इंदौर को जैसा नाम लेते हैं नंबर वन सिटी क्लीन सिटी, हमको गोरखपुर को नंबर वन सिटी बनाना है। रैंकिंग में हम बहुत अच्छे आ गए, नगर आयुक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेयर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महानगर अध्यक्ष हमारे संगठन से जागरूकता कर रही है, हम सारी प्रतिनिधि भी जागरूक करते रहते हैं, लेकिन एक बात आप लोग के सोच लेना है और प्रण करना है। पूज्य महाराज जी ने हर प्रण को पूरा किया, महाराज जी के कथनी करने में अंतर नहीं होता। आज सभी सफाई कर्मी ये पूरा परिवार एक प्रण करे कि गोरखपुर को नंबर वन सिटी बनाना है हमको, द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, जैसे इंदौर आता है हर साल, लेकिन इस बार मैं एक सांसद नहीं आपके भाई के रूप में, ये हमारा निहोरा बात, इन गोरखपुर को नंबर वन सिटी बनाना है हमको सफाई के माध्यम से, इस बीमारी को जड़ से हटा देना है, इस गंदगी को जड़ से हटा देना है, स्वच्छ गोरखपुर रहेगा। आज गोरखपुर एक फॉरेन कंट्री की तरह लगता है, जब भी नौकायन के पास जाओ आपको लगेगा आप स्पेन में हैं, आपको लगेगा आप लंदन में हैं, आप मुंबई के नेपेंसी रोड चौपाटी की तरह है, उससे भी सुंदर लगता है शाम के वक्त। उसका कारण है सफाई परिवार,
इसको निरंतर रखना, लेकिन देवकुल जनता का भी अधिकार इनसे ज्यादा। ये लोग तो सवेरे सब साफ करके चल जाना, लेकिन फिर सब लोग हम लोग खा के फिर अपने घर के सामने फेंकने लगते हैं। क्या श्री राम जानकी बैठे हैं, हम ऊंचा सुनीला श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी सोचले ना रहे। धन्यवाद महाराज जी आपके, दिल से धन्यवाद महाराज जी। एक बार दोनों हाथ सब लोग उठा ले, सब लोग आखिरी तक नमः पार्वती पते हर हर महादेव गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। एकदम झाड़ू उठौले रहा, झाड़ू नीचे नहीं गिरना चाहिए। सादर धन्यवाद महोदय आपके इस स्नेही एवं ऊर्जापूर्ण संबोधन के लिए। इसी क्रम में नगर निगम गोरखपुर द्वारा सफाई मित्रों हेतु किए गए कार्यों, स्वच्छता में उनके योगदान एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में किए जा रहे नवाचारी कार्यों की डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। एक समय था जब विकसित देशों के शहरों को देखकर कहा जाता था, वाह कितना साफ शहर है। अब हम भारत के शहरों को भी उसी तरह से समाधान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप गोरखपुर नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में कर आए नित नए कीर्तिमान। इस सफलता में है सफाई मित्रों का विशेष योगदान। प्रदेश में पहला QR कोड आधारित गार्बेज कलेक्शन सिस्टम के तहत घर घर से किया जा रहा है सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन। स्वच्छता रैंकिंग में 7 सालों के सतत प्रयास से नगर निगम गोरखपुर ने पहली बार प्राप्त की है GFC 3-star रेटिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में नगर निगम गोरखपुर ने लगाई है लंबी छलांग। वैज्ञानिक विधि से कचरा निस्तारण, मुख्य बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड वाहनों द्वारा स्वीपिंग, खाली पड़े भूखंडों की सफाई सहित अन्य स्वच्छता संबंधी कार्यों में सफाई मित्रों की भूमिका ने गोरखपुर को बनाया है क्लीन गोरखपुर ग्रीन गोरखपुर। स्वच्छ गोरखपुर के लिए 3,500 सफाई मित्रों और 400 वाहन चालकों के नियमित योगदान एवं वार्ड मोहल्ला स्वच्छता समिति की भागीदारी से साकार हो रही है स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से CND वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, BioCNG प्लांट। परम श्रद्धेय मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र अनुरोध की अपने आशय वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आयोजित आज के इस सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन में गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष
और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण और नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी सफाई मित्र, स्वच्छता के कर्मीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान सम्मेलन के लिए नगर निगम गोरखपुर को और खास तौर पर महापौर और उनके साथ सभी पार्षदों को मैं, नगर निगम की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ और इधर गोरखपुर नगर निगम की स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ। इन सब की मैं आपको बधाई देता हूं। आज एक तरफ आपका अभिनंदन हो रहा है तो नगर निगम की रैंकिंग भी स्वच्छता की अच्छी हो रही है, तो महानगर वासियों को अच्छे स्वच्छ और सुंदर वातावरण में रहने का भी अवसर मिला है और विकास की 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। वास्तव में जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वह किन्हीं कारणों से उपेक्षित हो जाता था। कितना भी हम अच्छा कर ले, घर कितना भी अच्छा हो, अगर साफ सफाई ना हो, रंग रोगन ना हो, तो उस अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। हम शहर को कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, अच्छी सड़कें दे दे, चौड़ी सड़कें दे दे, लेकिन अगर सफाई ना हो तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए सारी सुंदरता की आत्मा किसी में निहित करती है तो इन स्वच्छता कर्मियों पे निहित करती है, इसलिए इनका सम्मान और इनकी सुरक्षा तो दोनों आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इन्हें कई कवर सुरक्षा के प्रदान किए जा रहे हैं। किसी स्वच्छता कर्मी को अगर किसी दुर्घटना का दुर्भाग्य से शिकार होता है तो 2,00,000 रुपए की बीमा सुरक्षा बीमा की कवर से मिलेगा। मैं नगर निगम गोरखपुर से कहूंगा और प्रदेश भर में हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने परिवार का लालन पालन समय पर सम्मानजनक ढंग से कर सके। और साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए उनके लिए आवासीय सुविधा भी हम दें। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलना चाहिए, कॉलोनी उनकी अच्छी बननी चाहिए, उनके लिए कुछ अन्य कार्य भी दिए जाने चाहिए। ये मशीन जितनी आ रही है इन मशीन में भी उनको पारंगत करना चाहिए और साथ साथ उनको स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिलना चाहिए, उन्हें राशन कार्ड की सुविधा भी मिलनी चाहिए, उज्ज्वला योजना के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। हर प्रकार की सुविधा से उन्हें संपन्न करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए और नगर निगम ने पहल की है। मैं विश्वास करता हूं कि ये अवश्य और भी अच्छा करेगा। हमने कमेटी गठित की है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट को हम लागू करके प्रदेश भर के सभी स्वच्छ सफाई कर्मियों को
अच्छा मानदेय उपलब्ध करवाने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाने जा रहे थे। यह सचमुच सबसे बड़ा हड़ताल है। मैंने जो पहले भी कहा, आप भी मुझे बताइए, अभी तक रविकिशन की फिल्म कितने लोग देखे, फ्री में देखे हैं या पैसा लेके? फ्री में। अच्छा, नहीं नहीं, चलिए उनका रविकिशन की फिल्म देखे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये अच्छा कपड़ा पहन करके एक्टिंग ना करें, फटा कपड़ा पहन करके अंडरवियर में एक्टिंग करने लग जाएगा लोग अच्छा कपड़ा पहन करके करते हैं ना तो इसलिए लोगों को हीरो लगता है, लगता है ना। और इसीलिए देखिए, वो अपने उद्बोधन से आपका मनोरंजन भी कर लेते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। देखो, पिछले 6 महीने से गोरखपुर में लगातार जमे हुए हैं, गांव गांव जा रहे हैं, वॉल लाइटिंग भी कर रहे हैं, विकास की योजनाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विधायकों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर लेते हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। मैंने उनको एक आवे फिल्मों में के लिए काम करना, विधायकों को फिल्मों में लेके जाऊंगा। लेकिन एक अच्छा प्रयास हो रहा है, तो इसलिए शहर की सकल सूरत बदलने के लिए आवश्यक है सफाई कर्मी भी उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है, तब शहर अच्छा दिखता है। हमारा शहर गोरखपुर अब साफ और सुंदर दिख रहा है, इसलिए रैंकिंग में सुधार हो रहा है और इसीलिए नगर निगम ने भी सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान दोनों कार्यक्रम आयोजित किया है। नगर निगम का पहल बहुत अच्छी पहल है। यहां पे 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो हमारे पार्षदों ने महापौर के साथ मिलकर के नगर निगम के अंदर बनाई, इसके लिए मैं सभी पार्षदों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की और विकास का कार्य नगर निगम में महापौर जी के माध्यम से यहां पर किया है। और आज नगर निगम में अब दिखता है कि गोरखपुर एक अच्छा सुंदर शहर है। अच्छा लगता है ना शहर, सबको लगता है ना। आप मुझे बताओ, अगर हमारा शहर अच्छा लगता है तो सबसे ज्यादा श्रेय तो सफाई कर्मियों को मिलना चाहिए, फिर पार्षद को और फिर महापौर को, जनप्रतिनिधियों को और फिर गोरखपुर की जनता को। हमें जनता को भी जागरूक करना होगा। मैं सभी पार्षदों से, महापौर जी से कहूंगा, हर मोहल्ले में एक स्वच्छता समिति जरूर बन जाए। पार्षद का महीने में एक बार स्वच्छता समिति के साथ बैठना जरूर हो जाए और इस बात को लेके कि नालियों में कूड़ा न डाले, सड़क पे कूड़ा न फेंके, सफाई की उचित व्यवस्था रखने में अपना योगदान दे, किसी सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार न हो। अगर हम इन सभी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा और जो भी आएगा अद्भुत होगा, अच्छा लगेगा उसको गोरखपुर आने में। और आज इसीलिए जब मुझे ये बताया गया कि गोरखपुर में सफाई सुरक्षा जो मित्र हैं, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, इनकी सुरक्षा और इनके सम्मान के लिए इनको बीमा कवर भी दिया जा रहा है, उनके जो सफाई कर्मी दुर्भाग्य से दिवंगत हो जाए तो उनके परिवार को तत्काल रूप से एक सहायता राशि हम जारी करने जा रहे हैं, उनके सम्मान की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो मैं तत्काल इस कार्यक्रम में यहां पर आया हूं और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर नगर निगम ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, खासतौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रैंकिंग गोरखपुर को भारत सरकार ने प्रदान की है। आप सोचिए, गोरखपुर को भी रैंकिंग प्राप्त हो रही है।
निगम ने स्वच्छता जो सर्वेक्षण है जो पहले 74वें स्थान पर था वहां से अब ये 22वें स्थान पर आ गया है। एक धक्का और आप देंगे तो आप देखना कि गोरखपुर अगले सर्वेक्षण में टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में हमें टॉप 10 में लेके आना है कि टॉप 3 में लेके आना है? तैयार है ना सब लोग? इसके लिए स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ पार्षदों को स्वच्छता मोहल्ला स्वच्छता समिति का गठन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। 500 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट का कार्य चल रहा है और अन्य भी तमाम कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन सभी पर कार्य करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान चला। इसके साथ साथ गोरखपुर में मैंने कहा था खाली प्लॉट और जो प्लॉट पार्क है इनमें जितना भी कचरा है सब का निस्तारण करो। काफी प्रगति हुई है और तेजी के साथ इसमें कार्य हो रहा है। हम इस दिशा में और भी कार्य करेंगे। आज गोरखपुर देश के अच्छे शहरों में गिना जा रहा है तो खुशी आपको भी होती होगी, हमें भी होती होगी। आप भी कहीं बाहर जाते होंगे, गोरखपुर का नाम कोई भी सुनता होगा तो आपके चेहरे पर भी उसके चेहरे पर एक खुशी होती है, आपको सम्मान देता होगा, होता है ना? तो ये इसी का परिवर्तन का परिणाम है और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। आज मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अपने शहर को स्वच्छ सुंदर और विकसित बनाने में हम सब भी अपना योगदान देंगे। नगर निगम की इस पहल में हम सब सहभागी बनेंगे इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।